कारवां टीवी हर पल आपके साथ। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ओसवाल चीनी मिल और बजाज चीनी मिल, ये किसानों का गन्ने का भुगतान ना के बराबर दे रहे हैं, जबकि किसानों के बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनमें इतना बड़ा अविलंब आ रहा है, ना फीस के पैसे, ना दवाई के पैसे, और खेती में लगाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो हमारी मांग ये है कि बजाज चीनी मिल और ओसवाल चीनी मिल बहुत ही अति शीघ्र हमारे किसानों के गन्ने का भुगतान दे दें। क्यों, इनका कोई कर्मचारी अधिकारी ऐसा नहीं है जिसका ये पेमेंट, जिनकी सैलरी ये एक महीने रोक पाए। किसानों का ये जान पूछ करके एक एक दो दो साल तक पेमेंट रोकते हैं, जिससे किसानों के सामने आए दिन बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। हाँ, हमने चार मांगें दी हैं। दूसरी मांग ये है कि गांव-गांव जो आवारा पशु घूम रहे हैं, इससे चार महीने पहले जिस गांव में 20 आवारा पशु थे, आज 20 की जगह 70 हो गए। 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, 20 लोगों को मार डाला। लोग आज ये हालत है कि बारिश के समय में भी अपने खेतों की निगरानी कर रहे हैं और रात दिन बेचारे अपने अपने खेतों पर रह रहे हैं, जिससे आए दिन तमाम बीमारियां और अचानक सांप कीड़े, जिसकी परवाह ना करते हुए किसान बेचारा अपनी मौत की। हमारे गन्ने के भुगतान चाहे 2 साल हो जाएं, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई सरकार किसानों के बारे में कोई निर्णय नहीं लेती है। और जो बिजली के कनेक्शन जिन किसानों के हैं, अगर 2 महीने का बकाया हो गया तो IDO महोदय, JE महोदय गांव में जाते हैं और घरों पर जैसे डकैत लोग आते हैं, छतों पर चढ़ के उनके कनेक्शन, उनके तार काट देते हैं। तो ये बेहद किसानों को सताने वाली बात है। तो हमारी मांग ये है कि भाई इस तरीके से किसानों को गुमराह ना किया जाए, सताया ना जाए और उनके बिजली के बिल माफ़ किए जाए। कारवां टीवी हर पल आपके साथ।